आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली जब हम पिछली क्लास में थे तो हमने सिलेक्शन स्टेटमेंट्स देखी थी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आइट्रेशन स्टेटमेंट्स। आइट्रेशन स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? आइट्रेशन स्टेटमेंट से मुराद ये है कि कुछ कोड हमारे पास ऐसा होता है जो हम चाह रहे होते हैं कि बार बार रिपीट हो, एक ही लाइन बार बार चले, तो उसके लिए हम आइट्रेशन स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरीके से लिखूं, फॉर आई इन रेंज, और इसके अंदर मैंने 5 डिफाइन कर दिया, और फिर मैंने कर दिया जनाब प्रिंट हेलो, तो ये करेगा ये कि ये जो हेलो है इस लाइन को 5 दफा चला देगा, यानी होगा ये कि 5 दफा हेलो लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो यानी हुआ ये है कि ये वाली जो लाइन है ये 5 दफा चल गई। ठीक है, इसमें आई एक वेरिएबल है जो कि बेसिकली चेंज होता है 0 से लेके 4 तक जाएगा ये। अच्छा, अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो आई की वैल्यू प्रिंट करवा दें। जब आप आई की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आई की वैल्यू क्या चेंज हो रही है। अब मैं दोबारा इस कोड को अगर रन करता हूँ तो देखिए ये बता रहा है कि हेलो 0 1 2 3 4, इसका मतलब आई की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है और 4 तक जा रही है। तो रेंज 5 का मतलब ये है कि जब आई की वैल्यू 5 हो जाए तो फिर इस लूप से बाहर आ जाना। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं चाहूं तो इसके अंदर एक लाइन और भी प्रिंट करवा सकता हूं, मल्टीपल लाइन इसके अंदर आप रख सकते हैं, वेलकम टू लूप्स। तो अब ये दोनों लाइनें क्योंकि इस फॉर लूप का पार्ट है तो ये दोनों लाइनें प्रिंट होंगी, और आपको ये दो लाइनें 5 दफा प्रिंट होती भी नजर आएंगी। फिर ये कि ये बात जैसे मैंने पहले भी समझाया था कि पाइथन में ब्रैकेट्स नहीं होते, अगर आपने यहाँ पर ये स्पेस खत्म कर दिया तो अब ये वाली लाइन जो है वो लूप का हिस्सा नहीं रहेगी। तो जब ये लूप का हिस्सा नहीं रहेगी तो ये फिर लूप के साथ नहीं होगी, तो फिर एक ही दफा प्रिंट होगी, मल्टीपल टाइम्स प्रिंट नहीं होगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है भाई? फॉर ईच के नाम से नहीं है लेकिन इसी को फॉर ईच के लिए भी इस्तेमाल कर सकते, यानी आपके पास जो है वो सी के अंदर जो है ना वो कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट होते हैं इंटीजर आई, सी और जावा में और सी शार्प में ये कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट हम लिखते हैं। ठीक है, फिर ये कि सी और जावा और सी शार्प वगैरह में हमारे पास फॉर ईच का लूप होता है जो हम ऑब्जेक्ट आइट्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर ईच आई इन सपोज सम एरे है, तो वो दोनों चीजें जो है वो पाइथन में हम इसी से कवर कर लेते हैं, यानी कॉन्सेप्ट वही है। क्योंकि इन का कीवर्ड नजर आ रहा है ना तो आपको लग रहा होगा ये फॉर ईच का है, लेकिन ये कि ये उसी कॉन्सेप्ट को पाइथन के अंदर बाय यूजिंग अ फंक्शन रेंज हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है, वाइल का लूप भी है पाइथन में, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी आप चाहें तो इस तरीके से लिख देते हैं कि वाइल जे इज लेस देन 5, और ऊपर जो है वो जे की वैल्यू आप डिफाइन कर दें जे इक्वल्स टू 0, और कंडीशन आपने लगा दी व्हाइल जे इज लेस देन 5 प्रिंट जे, और फिर जो है वो नीचे जाके आपने कह दिया जे प्लस प्लस जे इक्वल्स टू जे प्लस 1। तो ये भी कोई काम करेगा, यानी ये कि 0 से लेके 4 तक प्रिंट करेगा, और जैसे ही आई की वैल्यू जे की वैल्यू 5 हो जाएगी तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो आइट्रेशन स्टेटमेंट्स की जो लॉजिक है, थ्योरी है, वो क्या है? आइट्रेशन स्टेटमेंट जो है उसमें तीन चीजें होती हैं भाई।
इटरेशन स्टेटमेंट में जो तीन चीजें होती हैं, नंबर वन चीज जो है ना वो कोई वेरिएबल होता है जिसको हम इनिशियलाइज करवाते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। फिर दूसरी चीज जो उसके अंदर होती है वो कोई कंडीशन होती है, और तीसरी चीज जनाब इसके अंदर जो है ना वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। या डिक्रीमेंट होता है। तो अब ये काम जो है वो हम यहां कर रहे हैं, ये जो है ना वो आपके पास है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल इनिशियलाइज हो रहा है, और फिर जो है ये कंडीशन है, कंडीशन इज समथिंग दैट विल रिटर्न ट्रू और फॉल्स, और ये हमारे पास जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है। इंक्रीमेंट समझा दिए कि वैल्यू में एक का इजाफा हो रहा है। अच्छा, अब वाइल का लूप भी चाहें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर का लूप भी चाहें तो इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम जो है वो फॉर के लूप के ऊपर ही ज्यादा फोकस कर लेते हैं और उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर अभी जैसे मैंने आपके सामने किया भी था कि मैंने लिखा फॉर ए इन रेंज और मैंने लिख दिया 10। अब ये जो है वो 10 तक करेगा प्रिंट, और फिर आप जो है वो चाहें तो इसके अंदर कोई स्टेटमेंट प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे स्टैटिक प्रिंट करवा दिया मैंने, तो आप देखेंगे कि स्टैटिक जो है वो 10 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं कोई स्टैटिक के साथ साथ कोई और चीज प्रिंट करवाना चाहूं या ए की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहूं तो वो मैं प्रिंट करवा सकता हूं। जैसे कॉमा करके मैंने ए लिख दिया तो ये ए की वैल्यू प्रिंट कर देगा। आप देख रहे हैं कि स्टैटिक 0, स्टैटिक 1, तो क्योंकि मैंने रेंज कहां तक रखी थी 10 तक, तो ये कहां से कहां तक गया, 0 से 9 तक गया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई किसी को यहां पर? ठीक है, अब देखें यहां पर, देखिए अगर मुझे ये काम जो है ना वो मुझे करना ये है कि मैं जो है वो प्रिंट करवाना चाहता हूँ स्टैटिक को 10 टाइम्स, तो स्टैटिक को 10 टाइम्स प्रिंट कराने का एक तरीका तो ये जनाब कि मैं जो है ना वो करूँ ये कि 10 दफा प्रिंट लिखूँ। अगर मैं इस तरीके से 10 दफा प्रिंट लिख दूंगा, ये चले 5 दफा प्रिंट लिख दूंगा, तो 5 स्टैटिक मुझे आउटपुट पर नजर आ जाएंगे, लेकिन 5 दफा लिखने से बेहतर ये है कि मैं यहां पर फॉर का एक लूप लगा लूं। ठीक है, और मैंने कहा रेंज और उसमें दे दिया 5 और कर दिया कॉलन, और फिर ये वाली जो लाइन है इसको मैंने इस फॉर लूप का पार्ट बना दिया। उसके बाद आप जब इस कोड का आउटपुट देखेंगे तो ये 5 दफा ही स्टैटिक को प्रिंट करेगा। सही है, तो यानी किसी चीज को एक ही लाइन को बार बार लिखना चाह रहे हैं आप, एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप फॉर का लूप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हो ये रहा है कि ये जो ए वेरिएबल है ना ये 0 से शुरू होगा और 4 तक जाएगा, और हर दफा जो है वो ये लाइन जो है ना वो एग्जीक्यूट होगी। अगर मैं इसमें ए को इस्तेमाल करूंगा तो वो ए की वैल्यू प्रिंट कर देगा, नहीं करूंगा तो नहीं करेगा। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप जो है ना वो इसके अंदर एक ऑपरेटर होता है एंड, और एंड में अगर आप इस तरीके से स्पेस देते हैं तो फिर जो है ना ये फॉर का लूप जो है ना वो एक ही लाइन में प्रिंट कर देगा, यानी अलग अलग लाइनों में प्रिंट नहीं करेगा। यानी ये चीज अगर आप सी शार्प और जावा पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहां पर प्रिंट और प्रिंट एलएन के नाम से मेथड होते हैं, तो
लाइन ब्रेक होती नहीं होती, तो इसमें प्रिंट का ही फंक्शन है, बस आपने जो है ना वो ये अगर इजाफा कर दिया एट द एंड, तो ये सारा जो है ना एक ही लाइन में प्रिंट हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मिसाल के तौर पे देखिए, मैं एक और लूप लगा रहा हूं, मैंने यहां पर कहा जनाब फॉर आई इन रेंज, और मैंने कहा 10, ठीक है, और फिर मैंने जनाब प्रिंट करवा लिया स्टैटिक, तो ये क्या प्रिंट करेगा भाई, कितने स्टैटिक कितनी दफा प्रिंट करेगा, 10 टाइम्स। हाँ, लेकिन ये जो 10 टाइम्स प्रिंट करेगा वो हर दफा लाइन ब्रेक करेगा। मैं चाह रहा हूँ लाइन ब्रेक ना हो, तो मैं ये कर सकता हूँ कि ऐसे करके अगर मैं एंड पे ये दे देता हूँ तो फिर वो लाइन ब्रेक नहीं करेगा बल्कि इस तरीके से प्रिंट कर देगा। और ये भी अगर मैं हटा दूं तो ये फिर जो है वो बिल्कुल ही मिक्स करके एक साथ ही दिखा देगा ये 10 आपके स्टैटिक्स को। समझ में आ रही मेरी बात? एक ही लाइन में दिखा देगा, लाइन ब्रेक नहीं करेगा नेक्स्ट प्रिंट में लूप के। समझ में आ रही मेरी बात? देखिए ये कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका लूप का, या चाहे हम फॉर का लूप यूज करें या वाइल का लूप यूज करें, बात चीजें ऐसी होती हैं जो हम चाह रहे होते हैं कंटिन्यूअसली चलती रहें चलती रहें चलती रहें। मिसाल के तौर पे मैं जो है वो यूजर से कमांड इनपुट लेता हूँ, मैंने कहा कमांड इक्वल्स टू, और फिर मैंने कहा इनपुट, और फिर मैंने कहा एंटर एनी कमांड, जो भी कमांड आएगी वो हम यहाँ पे लिख देंगे कि भाई प्रिंट, और फिर उसके अंदर मैंने लिख दिया एक्सिक्यूटिंग कमांड, और फिर मैंने जनाब कहा, अब मैं चाह रहा हूं कि ये चलता रहे जब तक के वो एग्जिट ना लिख दे, तो अब मुझे नहीं पता ना वो एग्जिट कब लिखेगा, तो मैं ये कर सकता हूं कि यहां पर जो है वो इस तरीके से कर लूं कि सपोज मैंने इनिशियली लिख दिया कमांड इक्वल्स टू स्टार्ट, और फिर मैंने कहा व्हाइल कमांड इज नॉट इक्वल टू एंड, जब तक कमांड नॉट इक्वल टू नहीं होता है एंड के, उस वक्त तक ये काम करते रहो। तो अब क्या होगा कि जब आप इस कोड को रन करेंगे तो कोई कमांड ये पूछ रहा है, मैंने मिसाल के तौर पे कहा प्रिंट, तो ये कहेगा जनाब एग्जीक्यूटिंग कमांड, बल्कि इसमें काम हम ये करते हैं अपने कोड के अंदर कि यहाँ पर कमांड का नाम भी प्रिंट कर देते हैं, जब एग्जीक्यूटिंग कमांड हम लिखते हैं तो यहाँ पर ऐसे करके ये भी मैंने लिख दिया, ठीक है। अब कोड को दोबारा से रन करते हैं, मैंने मिसाल के तौर पे कहा प्रिंट, एंटर प्रेस कर दिया, तो ये कहेगा एग्जीक्यूटिंग कमांड प्रिंट, फिर मैंने कहा जनाब न्यू, तो ये कहेगा एग्जीक्यूटिंग कमांड न्यू, फिर मैंने कहा ओपन, तो ये कहेगा एग्जीक्यूटिंग कमांड ओपन, फिर मैंने कहा जनाब बोल्ड, तो ये कहेगा जनाब एग्जीक्यूटिंग कमांड बोल्ड। अब ये चलता रहेगा जब तक के मैं इसके अंदर जो है वो ये, अब मेरा कोड हमेशा चलता रहेगा, जब मैं एंड लिखूंगा तो फिर जो है ना ये हमारा कोड एंड होगा, इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ चेक ये लगा रखा है कि जब तक कमांड एंड नहीं है ये दोनों लाइनें चलाते रहो, तो ये क्या करेगा कि जब तक एंड इंटर नहीं करूंगा ये इनपुट लेता रहेगा कमांड एग्जीक्यूट प्रिंट करता रहेगा, इनपुट लेता रहेगा कमांड एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो नॉर्मली फाइल जो है वो कुछ इस किस्म के सिनेरियोस के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें हम ये चार होते हैं कि किसी खास चीज का वेट कर रहे हैं जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए उस वक्त तक चलते रहो, तो वहां पे वाइल का लूप इस्तेमाल हो रहा होता है। बाकी अगर हमें एग्जैक्टली आइडिया है कि भाई इतने यहां तक जाना है इतने चीजें हैं, तो फिर हम फॉर का लूप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, उसका इंग्लिश।
वाइल को इस्तेमाल, ऐसा सिनेरियो ना जैसे ये वाला सिनेरियो, जैसे कमांड प्रॉम्प्ट होता है हमारा। अब कमांड प्रॉम्प्ट जब मैं रन करता हूँ तो ये कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो आपको पता है कि ये चलता रहता है, इसको कमांड देता रहता हूँ। जब मैं इसको एग्जिट की कमांड दूंगा तो ये एंड होगा, अदरवाइज ये चलता रहेगा। तो वो काइंड ऑफ वो ये जो है वो वेट कर रहा है एग्जिट कमांड का, जैसे ही एग्जिट आएगा तो ये एंड होगा, अदरवाइज ये चलता रहेगा, कमांड जो भी दी जाएगी वो एग्जीक्यूट करता रहेगा। सही है। तो बाकी ये कि फॉर लूप के थ्रू जो है वो हम कुछ इस किस्म के दूसरे काम कर रहे होते हैं जिसमें हमें इनिशियली आइडिया होता है कि भाई मिसाल के तौर पे इतना होगा, या हमारे पास कोई वैल्यू होती है उस रेंज तक, उस जगह तक हमें पता होता है कि इस वैल्यू तक जाना है। तो फॉर लूप की प्रैक्टिस के लिए हम जो है वो डिफरेंट टाइप के टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझ लें कि अगर मिसाल के तौर पे मैंने कहा फॉर आई इक्वल्स टू रेंज 100 और फिर मैंने जो है वो प्रिंट करवा दिया जनाब एक अदद स्टैरिक, और स्टैरिक के बाद मैंने ऐसे करके लिखा एंड और यूं लिख दिया, तो अब ये कितने स्टैरिक प्रिंट करेगा भाई? हाँ जी, कितने स्टैरिक प्रिंट करेगा? 0 से 99 तक करेगा। ठीक है, यानी अगर मैं आई को प्रिंट करूं तो 0 से 99 करेगा, वैसे करेगा 100 ही। ठीक है, यानी हाँ उसका तरीका है वो मैं बताता हूँ। अभी इनिशियली तो हम 0 से ही शुरू करते हैं इसको ना, तो बाय डिफॉल्ट तो ये 0 से ही होता है। अभी मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कुछ इस तरीके से करेंगे ना, स्टैरिक करेंगे मिसाल के तौर पे, तो स्टैरिक 100 दफा ही प्रिंट होगा। सही है, वो 0 से 99 100 ही हो जाता है। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ आई प्रिंट कर रहा हूँ, तो अब देखें आई की वैल्यू फ्रॉम 0 to 99 अगर आप काउंट करेंगे ना तो वो है 100 ही। अब मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया तो ये 0 से लेके इसने 100 तक वैल्यूज प्रिंट कर दी। अब इसमें ये बात समझें कि अगर मैं यहां से जो है ना कॉमा करके 2 लिख देता हूँ रेंज के फंक्शन में, तो ये जो रेंज का फंक्शन है ना इस पे अगर आप माउस लेके आएंगे तो इसके आपको डिटेल मिलेगी। तो अगर मैंने 100, 2 कर दिया है तो अब क्या होगा? अब ये करेगा ये कि एक मिनट ठहरी जी, तो बात हो रही थी हमारी फॉर लूप के ऊपर। तो मिसाल के तौर पे अब देखें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर आई इन रेंज 100, 2, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आ रहा। तो उसका रीजन ये होता है कि अगर मैं रेंज के फंक्शन में 2 पैरामीटर्स दूंगा तो ये करता ये कि यहां से शुरू करेगा और यहां तक जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ 100, 200 दे दूं तो अब ये 100 से 200 तक जाएगा, या मिसाल के तौर पे मैं यहाँ 10, 20 दे दूं तो ये 10 से 20 तक जाएगा। सही है, जैसे मुझे 1 से शुरू कराना है तो मैं 1 से लेके 20 दे दूं तो ये 1 से लेके 20 तक, यानी कि 19 तक जाएगा, 20 से एक कम तक। सही है, तो लिहाजा ये जो है पहला जो आर्गुमेंट होता है, अगर मैं एक ही आर्गुमेंट दूंगा तो ये जाएगा 0 से वहां तक, यानी बाय डिफॉल्ट 0 होता है। अगर मैंने पहली वैल्यू कुछ दे दी, जैसे 5 दे दिया मैंने 5, 20, तो ये जाएगा 5 से 20 तक। सही है, मैंने दे दिया 5 से 200 तक तो ये जाएगा 5 से 200 तक। और अगर मैं तीसरा आर्गुमेंट दे दूं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने 3 दे दिया तो ये 3 का इंक्रीमेंट करता है, यानी कि 5 के अंदर 3 का इंक्रीमेंट करेगा। ये जैसे 5 के अंदर मैंने किया ये कि 20 तक गया और 3 का इंक्रीमेंट किया मैंने, अब देखें क्या करेगा कि 5 फिर 8 फिर 11 फिर 14 फिर 17। समझ में आ रही बात? और सपोज इसको मैंने 50 कर दिया और यहाँ पे मैंने 5 कर दिया तो अब ये 5 का इंक्रीमेंट करते हुए 5 से 50 तक जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई? जी
उल्टी गिनती अगर आप चलाना चाहते हैं मिसाल के तौर पे, तो आप ये कर सकते हैं कि जनाब जो है ना वो आप ये करें कि यहाँ पे लिखते हैं -5 और यहाँ पे लिखते हैं 1। ये शुरू कहाँ से करेगा? -5 से, और जाएगा कहाँ तक? 0 तक जाएगा, यानी 1 से 1 लेस तक जाएगा। रिवर्स में तो चल रहा ही है। माइनस तो हो रहा ही है, आई माइनस माइनस कह रहे हैं ना आप, तो वो यही हो रहा है। -5 से शुरू कर ले आप, मिसाल के तौर पे आप जो है ना देखें इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा इसके ना, क्योंकि यहाँ रेंज का फंक्शन हो रहा है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं जो है वो 10 से 0 प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो ये 10 से 0 प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि पॉजिटिव 10 से 1 की तरफ जाऊं मैं, तो वो ये यहाँ पे नहीं करेगा, ठीक है। उसके लिए आपको करना यही पड़ेगा कि -10 करके वो करना पड़ेगा। अगर डिक्रीमेंट करना है ना, तो वो जो भी लॉजिक है ना उसकी, जो उसका काम है, वो देख के उसके हिसाब से यहाँ चेंजेस करने होंगे, क्योंकि असल जो लाइन ऑफ कोड है ना वो तो नीचे है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर उसके हिसाब से उस लॉजिक को यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि वहां तो प्रॉपर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा होता है, यहाँ रेंज फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि मिसाल के ये तो 3 पैरामीटर्स हैं इसके, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने जो है वो 1 से लेके 1,10 कर दिया, तो ये क्या करेगा जनाब कि 1 से लेके 10 तक प्रिंट कर देगा। अच्छा, मुझे बताएं कोई सवाल तो नहीं है यहाँ पर? कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लें। कोई कंफ्यूजन नहीं है? अच्छा, इसमें एक चीज ये होती है कि फॉर के लूप के साथ साथ जो है ना पाइथन के अंदर फॉर का एल्स भी होता है, ठीक है। फॉर का एल्स क्या है कि एक्चुअली फॉर के लूप में कंडीशन लगी हुई है। यहाँ पर कंडीशन क्या है कि हमारी वैल्यू 1 से लेके 10 तक जाएगी, तो जब वो 10 हो जाएगी तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। आई की वैल्यू जब 10 हो जाएगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो उस वक्त फिर एल्स चल जाएगा। तो आप देखेंगे कि जब ये कोड चलेगा आपका, तो एंड में क्या लिखा हुआ आएगा, एंड ऑफ लूप। अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑप्शनल होता है ये एल्स फॉर के साथ, जैसे इफ के साथ एल्स होता है, इसी फॉर के साथ भी यहाँ एल्स है, ऑप्शनल है। चाहें तो इस्तेमाल कर लें, अगर ना चाहें तो ना इस्तेमाल करें, कोई जरूरी नहीं है। जैसे इफ के साथ भी एल्स ऑप्शनल ही होता है, ठीक है जी। आ रही बात समझ में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चले, आप देखें इसके अंदर जो है वो हम एक छोटा सा प्रोग्राम ही बनाते हैं कि हम जो है ना वो एक जो है ना वो लिस्ट ऑफ आइटम बनाते हैं, सही है। बल्कि चले मुझे ये बताएं कि लिस्ट तो अभी मैंने नहीं बताई ना आपको। हाँ, तो आप देखें हम यहाँ पर करते ये हैं कि मैंने कहा फॉर आई इन रेंज, और मैंने कह दिया 100, और फिर मैंने किया ये कि प्रिंट करवा दिया जनाब आई को, और एंड में लिख दिया ऐसे करके, तो ये 100 टाइम्स क्या प्रिंट कर देगा आई को। अच्छा, मैंने फिर यहाँ पे लिख दिया स्टैरिक, तो ये 100 टाइम्स क्या प्रिंट कर देगा स्टैरिक। इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 10, तो ये 10 टाइम्स क्या प्रिंट कर देगा, क्या प्रिंट कर रहा है स्टैरिक। अच्छा, इसी कोड को अगर मैं इसी के नीचे रिपीट करूं, तो आप ये स्टैरिक को 10-10 दफा 2 दफा प्रिंट कर रहा है, सही है। दोनों के दरमियान अगर मैं यहां पे प्रिंट इस्तेमाल कर लूं टू ब्रेक लाइन, तो आप देखेंगे कि ये 10 दफा पहला लूप प्रिंट कर रहा है, 10 दफा दूसरा लूप प्रिंट कर रहा है। सपोज यहां पे दूसरा करेक्टर ले लें, तो 10 स्टैरिक प्रिंट हो रहे हैं, फिर लाइन ब्रेक हो रही है, और फिर 10 @ प्रिंट हो रहे हैं, सही है। कोड समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें?
कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को? ज्यादा हो जाएगा, बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं पाइथन के अंदर, डिफरेंट अप्रोचेस मौजूद हैं। तो मैं जो बताना चाह रहा था आपको कि अगर ये बार बार मैं इस तरह करूंगा और बार बार आपके पास जो है वो वैल्यूज आ रही हैं, तो उसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप लूप के अंदर लूप इस्तेमाल कर लें, यानी कुछ इस किस्म का काम आप कर लें कि ये जो हमारा लूप है इसके ऊपर एक और लूप लगा दें। अच्छा, अब ये चीज कहलाती है नेस्टेड लूपिंग, लूप के अंदर लूप। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, तो इसको समझें कि ये वाला जो लूप है ना, इसका काम है 10 दफा स्टैटिक प्रिंट करना, और ये वाला लूप पूरा का पूरा इनसाइड अ लूप है जो 10 दफा चल रहा है। तो एक्चुअली 10 दफा 10 स्टैटिक प्रिंट होंगे और टोटल 100 हो जाएंगे। तो आप ये कर सकते हैं कि ये 10 दफा जब स्टैटिक प्रिंट हो तो फिर आप एक दफा जो है वो लाइन ब्रेक कर दें, तो आउटपुट आपको कुछ इस किस्म का नजर आएगा। समझ में आ रहा है आपको? ये जो है ना वो हमारे पास इसके लिए टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, ये आउटर लूप कहलाएगा। और ये हमारे पास जो है वो नेस्टेड लूप है, सही है। अच्छा, आप इस अप्रोच को इस्तेमाल करके ना हम डिफरेंट किस्म की जो है वो शेप्स बना सकते हैं इसको अंडरस्टैंड करके, और चीजें जो है ना वो हमें क्लियर हो जाएंगी। और आगे जाके जो है ना, असल में मैं इस पे फोकस भी इसलिए कर रहा हूँ कि आगे हमें कुछ जो है वो खास तौर पे AI वगैरह के अंदर आके मैट्रिक्स रिलेटेड कुछ चीजें काम करनी होती हैं, तो वहां पे जो है वो नेस्टेड लूपिंग जरा ज्यादा इस्तेमाल हो रही होती है, खासतौर पर 2 डायमेंशनल डेटा के ऊपर। तो अभी जो है ना वो अगर हम इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आगे जो है ना वो हमें काफी आसानी हो जाएगी। तो आप देखें, मिसाल के तौर पे हो ये रहा है कि ये पहला लूप 10 दफा चल रहा है, दूसरा लूप 5 दफा चल रहा है, तो 10 दफा 10 स्टैटिक प्रिंट हो रहे हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर ये करूँ कि यहाँ पर 5 कर दूं, तो अब 10 दफा कितने, अब स्टैटिक कितने प्रिंट होंगे? हाँ, 5 स्टैटिक की 10 रो प्रिंट होगी। समझ में आ रही बात? और अगर मैं यहाँ पर जो है वो करूँ ये कि बजाय इसके कि मैं यहाँ 10 इस्तेमाल करूँ, बजाय इसके कि मैं यहाँ 5 इस्तेमाल करूँ, अगर मैं यहाँ A कर दूँ, तो अब A का क्या सिनेरियो है? A का सिनेरियो ये है कि A इनिशियली 0 होगा जब पहली दफा ये चलेगा, फिर A1 होगा, फिर A2 होगा, फिर A3 होगा। तो पहली दफा जो है ये I जो है ना वो रेंज 0 लिखा होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, तो लिहाजा आपके पास आउटपुट कुछ इस किस्म का नजर आएगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? लेकिन पहले जो है ना वो आई ए 0 है, तो आई के आगे आई जो है ना वो रेंज 0 तक चलेगा, तो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। अलबत्ता ये कि अगर आप यहाँ पे 1,10 कर रहे हैं, तो अब जो है ना वो पहली दफा ए की वैल्यू 1 होगी, तो ये जनाब एक स्टैटिक, फिर अगली दफा ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा फॉर आई इन रेंज 2, फिर अगली दफा चलेगा फॉर आई इन रेंज 3, फिर अगली दफा आई इन रेंज 4, और फिर आई इन रेंज 9 तक चलेगा ये। उसके बाद जब ए की वैल्यू 10 हो जाएगी तो ये लूप ही एंड हो जाएगा, ये यहां से बाहर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये आउटपुट आपको नजर आएगा जो कि नीचे डिस्प्ले हो रहा है। ये क्लियर है भाई? अब इसके अंदर जो है वो आप चाहें तो इसी कोड को आप कुछ इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगली दफा जो है वो आप ए की वैल्यू जो है वो 10 करें और लेके जाएं उसको
वन तक, लेकिन उसमें जो जंप है ना वो माइनस वन की कर रहे हैं, ठीक है। यानी ये कि अगर आप ऊपर आके यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे ना टेन और वन और जंप इसमें माइनस वन की कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, ये चलेगा टेन से लेके वन तक, क्योंकि जंप कितना कर रहा हूं मैं, माइनस वन का। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी शुरू करेंगे टेन से और वन वन तक जाएंगे हम, ये आप ये दो पैरामीटर अगर लेगा ना तो ये टेन से माइनस वन तक जाएगा, तो अब ये शुरू करेगा टेन से और इलेवन पे जाने की कोशिश करेगा, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो आप, हाँ आप जब आप तीन पैरामीटर देते हैं ना तब वो तीसरे को जंप कंसिडर करेगा, ठीक है। जैसे आप इसको जीरो कर दें तो अब ये टेन से वन तक जाएगा, समझ में आ रही बात। तो अब आप ये कर सकते हैं कि ये वाला जो है इसमें आप जो है ना वो टेन से जीरो तक जाएं, माइनस वन इसमें करें, तो पहली दफा ये में टेन होगा तो टेन स्टारिक प्रिंट हो जाएंगे, फिर नाइन होगा तो नौ स्टारिक प्रिंट हो जाएंगे। तो अब की दफा जब आप कोड को रन करेंगे तो कोड का ये आउटपुट नजर आएगा आपको, समझ में आ रही बात। देखें ये वाला जो कोड है ये वाला पोर्शन प्रिंट कर रहा है यहां तक का, फिर ये वाला जो कोड है मेरा जो ये है, ये जो है वो मेरे पास नीचे वाला हिस्सा प्रिंट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसमें आप जो है ना वो एक काम ही करें कि आप लोग जो है ना वो कुछ इस तरह की फिगर्स ड्रॉ करने की कोशिश करें बाय यूजिंग लूप्स। किस तरह की फिगर्स? जैसे मिसाल के तौर पे ये इस तरह की फिगर आप ड्रॉ करें बाय यूजिंग नेस्टेड लूपिंग। यानी कि ये तो मैंने आपको भी करके दिखाई ना, यानी समझ लें ये वाली फिगर मैंने अभी बना के दिखाई आपको। इसको जरा मैं अगर समझ लें, ये फिगर मैंने अभी बना के दिखाई आपको, तो ये आधा पोर्शन ये बनाया मैंने, तो अब बेसिकली इस तरह की चार फिगर्स बनानी होंगी आपको। एक ये, फिर इसके ऊपर जो है वो आप बनाएंगे एक ये, ठीक है, और एक फिगर आपकी होगी ये वाली, और एक आपकी ये वाली फिगर है। तो इस तरीके से आप ये चार इस तरह के अलग अलग, जैसे दो मैंने बनाए हैं ना, ऐसे दो और बना के ये फिगर अचीव कर सकते हैं। समझ में आ गई बात करना क्या है? हाँ आप कोशिश करिएगा। अच्छा, आप इंटरनेट पे लिखेंगे आपको कोड बना बनाया मिल जाएगा कि हाउ टू प्रिंट अ डायमंड यूजिंग पाइथन, इसको डायमंड शेप कहते हैं, वो आप कर तो लेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें इसको। इसमें आपको स्पेस भी प्रिंट करवाना है। देखें ये आउटपुट नजर आ रहा है ना आपको, जो मैंने जो किया है ये आउटपुट नजर आ रहा है ना आपको, ठीक है। आप ये करें कि जब भी आप स्टैटिक प्रिंट करवाते हैं तो स्टैटिक आपने जो है वो मिसाल के तौर पे ये प्रिंट करवाए सारे ना, तो स्टैटिक प्रिंट करवाने के साथ साथ जो है अभी मैंने ये हाफ साइड प्रिंट करवाई है, तो
तो मैं चाह रहा हूँ कि ये कुछ इस किस्म की फिगर बन जाए यूं करके। ऐसे करके यू करके फिगर डायमंड बन जाए। तो वो आप कोशिश करके देख लीजिएगा, मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है कि प्रैक्टिस हो जाए हमारी कि भाई ये डिफरेंट किस्म की शेप्स हम बना सकते हैं बाय यूजिंग नेस्टेड लूपिंग। ठीक है, नहीं भी होता तो कोई मसला नहीं है, हम जो है वो और भी आगे प्रैक्टिस कर रहे होंगे इश्यूज को, तो उसमें बात जो है वो हमें और क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें जो है वो एक चीज हम ये कर सकते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है हमारे पास जो कि लूप्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। जैसे एक कीवर्ड इस्तेमाल होता है ब्रेक का, तो ब्रेक का कीवर्ड क्या करता है, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक फॉर का लूप है, ठीक है, और मैंने उसके, या चले फॉर का ही ले लेते हैं, मैंने कहा फॉर आई इन रेंज और मैंने कहा जनाब 10, सही है, और फिर मैं प्रिंट कर रहता हूं, मैंने कहा डाउनलोडिंग आइटम और कॉमा करके मैंने आई लिख दिया, सही है। इसको शुरू कर लेते हैं 1 से और 10 तक इसको ले जाते हैं, तो जनाब ये क्या करेगा, ये कहेगा डाउनलोडिंग आइटम 1, डाउनलोडिंग आइटम 2, डाउनलोडिंग आइटम 3 और डाउनलोडिंग आइटम 9 तक जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, अब देखें इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि एक डाउनलोडिंग आइटम करने के बाद मैं एक इनपुट लेता हूँ यूजर से, ठीक है, और इनपुट मैं इस तरीके से लिखता हूँ कि ओके कर दिया मैंने, और ओके में मैंने लिखा इनपुट और फिर मैंने कहा डू यू वांट टू कंटिन्यू डाउनलोडिंग। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो मैं यहाँ पे चेक लगा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इफ ओके इक्वल्स टू यस, इसमें दो ऑप्शन दे देते हैं वाई और एन के, तो अगर उसने यस किया है तो कुछ नहीं करना, और अगर उसने नो कर दिया तो देखिए मैं यहां पर एक कीवर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं ब्रेक। तो अब सिनेरियो क्या होगा, ब्रेक कीवर्ड है पाइथन के अंदर, फॉर के लूप के अंदर भी इस्तेमाल होता है और भी जगहों पे होता है। अगर ये फॉर के लूप के अंदर इस्तेमाल होता है और ये एग्जीक्यूट हो जाए तो ये लूप को खत्म कर देता है, सही है। जैसे अभी ये लूप जो है ना वो 1 से लेके 9 तक प्रिंट करेगा, अभी मैं कोड को रन करता हूं, तो अब ये जब लिखता है ना डाउनलोडिंग आइटम 1, फिर ये कहता है डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू डाउनलोडिंग, मैंने कहा यस, तो ये कहेगा डाउनलोडिंग आइटम 2, अब ये फिर मैं पूछ रहा है डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू डाउनलोडिंग, तो मैं कहता हूँ यस और एंटर प्रेस कर देता हूँ, तो ये कहता है डाउनलोडिंग आइटम 3। जैसे ही मैं एन लिखूंगा तो ओके में क्या चला जाएगा, एन चला जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, कंडीशन ट्रू होगी तो क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा, ब्रेक एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट होगा तो लूप हमारा खत्म हो जाएगा, हालांकि लूप देखें कहां से कहां तक था, 10 तक था ना भाई, मेरी बात समझ में आ रही है, देखें इसमें ये भी ध्यान में रखिएगा कि अब अगर आगे भी कुछ था ना, जैसे मिसाल के तौर पे यहां पे हम लिख देते हैं स्टार्टिंग आइटम 1 और यहां पे हम लिख देते हैं डाउनलोडिंग आइटम आई। अच्छा, अब होगा क्या कि जब आप इस कोड को रन करेंगे तो ये कहेगा स्टार्टिंग आइटम 1 डू यू वांट टू कंटिन्यू डाउनलोडिंग, हमने कहा यस, ये कहेगा डाउनलोडिंग आइटम 1 स्टार्टिंग आइटम 2, तो अगर हम यस कहेंगे तो आइटम
नीचे वाली लाइन चलेगी, लेकिन अगर मैंने स्टार्टिंग में यहाँ नो कह दिया तो बस ये यहीं पर एंड हो जाएगा। ब्रेक का मतलब ये है कि ब्रेक जैसे ही एग्जीक्यूट होगा लूप खत्म हो जाएगा, चाहे कितनी आइटरेशन बाकी हो। इस लूप में 10 आइटरेशन है, तो जैसे ही ब्रेक चलता है तो करंट आइटरेशन सारी जितनी भी रिमेनिंग आइटरेशन है वो सब खत्म हो जाती है। अच्छा, इसके मुकाबले में जो है वो दूसरा जो हमारे पास कीवर्ड इस्तेमाल होता है, हाँ, नेस्टेड लूप में अगर करेंगे तो जिस लूप में है ना वो लूप खत्म हो जाएगा, यानी नेस्टेड में किया है तो नेस्टेड खत्म हो जाएगा, आउटर में करेंगे तो आउटर खत्म हो जाएगा। ये होता है ना जैसे आप, हाँ इफ में है ना ये, इफ में, लेकिन इफ भी हाँ दोनों में लगा सकते हैं, लेकिन इफ के अंदर ब्रेक लगाने का फायदा उस वक्त है जब वो फॉर में हो, मतलब ब्रेक का ताल्लुक फॉर से। ये इफ इसलिए लगाया कि अगर मैं इफ नहीं लगाऊंगा ना तो ब्रेक हर हाल में एग्जीक्यूट होगा, हर हाल में एग्जीक्यूट होगा तो चाहे कुछ भी करूं वो पहली दफा में खत्म हो जाएगा। यानी अगर आप अभी इसको रन, जी अच्छा, फिर एक होता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या चीज है? कंटिन्यू ये होता है कि ये ना करंट आइटरेशन को स्किप कर देता है। मिसाल के तौर पे यहां पे अगर मैं कंटिन्यू लिख दूं तो डू यू वांट टू स्किप डाउनलोडिंग आइटम आई। तो आप देखें अब क्या होगा, अभी कह रहा है स्टार्टिंग आइटम वन, ये कह रहा है डू यू वांट टू स्किप डाउनलोडिंग आइटम। मैंने कहा अच्छा ये चले, हमारी लॉजिक ही उल्टी हो गई इसके अंदर। तो यहाँ पे यस और नो है, अगर यहाँ पे ये यस करेगा तो हम स्किप करेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है डू यू वांट टू स्किप डाउनलोडिंग आइटम, मैंने कहा नहीं भाई मुझे नहीं स्किप करना, तो ये डाउनलोड कर रहा है आइटम टू, अब वो आइटम टू स्टार्ट कर रहा है। ये कह रहा है डू यू वांट टू स्किप डाउनलोडिंग आइटम, मैंने कहा नो, तो इसने आइटम टू भी डाउनलोड कर दिया। फिर ये कह रहा है डू यू वांट टू स्किप डाउनलोडिंग आइटम, मैंने कहा यस, तो अब क्योंकि कंटिन्यू चलेगा ना तो करंट आइटरेशन को स्किप कर देगा, तो आइटम थ्री समझ लें डाउनलोड नहीं होगा। देखें आइटम थ्री के बाद जो है ना वो आइटम थ्री डाउनलोड नहीं हुआ बल्कि स्टार्ट आइटम फोर हो गया। फिर मैंने यस किया तो आइटम फोर स्किप हो गया, फिर मैंने नो किया तो फाइव डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने नो किया तो सिक्स भी डाउनलोड हो जाएगा, फिर मैंने नो किया तो सेवन भी डाउनलोड हो जाएगा, मतलब ये वाली लाइन चलेगी। तो जिस चीज पे मैं नो करूंगा उसको डाउनलोड हो जाएगा, जिस पे यस करूंगा वो स्किप हो जाएगा। तो कंटिन्यू का काम जो है ना वो एक्चुअली स्किप करना होता है, ठीक है। एक मिनट ठहरिएगा, ये जो कंटिन्यू है ना ये आइटरेशन को स्किप कर देता है, करंट आइटरेशन नेक्स्ट आइटरेशन पे जंप कर देता है, जबकि ब्रेक जो है ना जब भी एग्जीक्यूट होगा वो सब कुछ खत्म कर देगा, एंड कर देगा। तो ये आप देखते हैं कि नॉर्मली जब हम डाउनलोड कर रहे होते हैं तो डाउनलोड करते करते अगर मैं एबॉर्ट कर दूं तो वो खत्म हो जाती है, लेकिन वो कोई कॉपी पेस्ट कर रहा हूं मैं एक जगह से दूसरी जगह, किसी एक आइटम को मैं बीच में चाहूं तो स्किप कर सकता हूं, या तो मैं एंड कर दूं तो वो कॉपी पेस्ट होना ही बंद हो जाता है। लेकिन अगर मैं बीच में कोई आइटम है स्किप कर दूं, अक्सर ये सिनेरियो आते हैं, तो वो एक्चुअली वो स्किप करके नेक्स्ट आइटरेशन पे आ जाता है, नेक्स्ट उस पे चला जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो है ना इस किस्म के जो ऑपरेशन होते हैं वो हम फॉर के लूप के अंदर ब्रेक और कंटिन्यू की मदद से जो है वो इनको हैंडल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो
अभी बस इसको इतना ही रखें, इसमें जो है ना ये थोड़ा आप करने की कोशिश करिएगा डायमंड शेप बनाने की, सही है? फिर कल जो है ना वो हम आगे के कुछ टॉपिक्स मजीद इसमें देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ लें।